आप में से सारे वे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग की क्लास इन्होंने अटेंड नहीं की होगी, है ना? तो आज लेटेस्ट टॉपिक लेके चलेंगे जो बिल्कुल स्टार्ट में हम लेते हैं। आप पेपर के अंदर एक क्वेश्चन देखते होगे, कुछ आई लिखा हुआ आता है, आयोटा, वो टॉपिक जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो आज जो टॉपिक करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे, और पहले तो ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में आए कैसे, उनको डिस्कस क्यों किया इस तरीके से। हाँ सर, मार्कर कौन सा यूज़ करना है, ये वाला? और कैमरा कहाँ पे है, नॉर्मली चलूँ या फिर नॉर्मल? इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्या? हाँ जी, सबसे पहले हम नंबर्स देखते हैं। आप सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कौन से नंबर की स्टडी करते हो सबसे पहले? प्राकृत संख्याएं, जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं उसको इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर अपने कहां से स्टार्ट लें, वन से, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, इन नंबरों को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। इसके बाद में नंबर कौन से आते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, वो कौन से होते हैं भाई? जीरो से स्टार्ट होने वाले, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। नेचुरल आगे, होल आगे, प्राकृत आगे, पूर्ण आगे। इसके बाद में जो संख्याएं आती हैं उन्हें इंटीजर्स बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है? पूर्णांक। क्या बोला जाएगा? पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं भाई? जो नेगेटिव को भी कंटेन करें, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये अपने नंबर कैसे हैं? इंटीजर। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं, पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं और नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं? पॉजिटिव कौन से हैं? वन से इस साइड वाले कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और माइनस वन से इस साइड वाले कौन से हैं? नेगेटिव इंटीजर। इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर और इसको बोलेंगे नेगेटिव। अब जीरो कौन से में जाएगा भाई? जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो नाइदर इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव। अब आपने कंप्लीट नंबर पढ़ लिए हैं सारे के सारे, अब क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन वाले, जिनमें बटा में नंबर आते हैं वो किस में जाएंगे? फ्रैक्शन वाले नंबर देखिएगा, आपने नंबर सुने होंगे भाई रैशनल नंबर, सुना है तो बताओ भाई रैशनल कौन से होते हैं? प्रीमे भी बोल दिया जाता है इसको, प्रीमे संख्याएं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म, और क्यू क्या होना चाहिए? Not equal to zero। मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं और आप मेरे को ये बताओगे ये नंबर प्रीमे है या ये नंबर अप्रीमे है, ये नंबर रैशनल है या ये इरेशनल। 0.5 बताइएगा रैशनल या इरेशनल, कैसे पता किया? 0.5 को पॉइंट को उठाएंगे नीचे कितना आएगा? 10, 5 से भाग देंगे क्या आ गया? 1/2। ठीक है, नंबर किस फॉर्म में है? P बाय क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, नंबर कैसा है अपना? रैशनल। मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा 0.333 एंड सो ऑन, ये किस में जाएगा? रैशनल या इरेशनल, प्रीमे या अप्रीमे? अप्रीमे कौन कौन बोल रहे हैं, प्रीमे कौन कौन बोल रहे हैं? ये तो दुविधा वाली कंडीशन आ गई भाई, एक साइड तो जाओ ना, या तो प्रीमे बोलो या अप्रीमे बोलो, कौन सा है?
थोड़ा और संकट में आपको मिटा देता हूं, 0.125783294 ये नंबर किसमें जाएगा? हां जी, रैशनल या इरेशनल? तब तक आप मेरे को एक काम करके दिखाइएगा, एक को भाग दीजिए तीन से, कितना आंसर आएगा देखिएगा। एक को तीन से भाग देते हैं भाई, तीन से भाग देंगे सीधा तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा दिया भाई, एक पॉइंट ऊपर लगेगा, कितना जाएगा? तीन तिया नौ, दस में से नौ गया एक, फिर एक जीरो उतारनी पड़ेगी और एक जीरो चढ़ानी पड़ेगी, तीन तिया नौ, दस में से नौ गया एक, फिर वैसे ही सेम काम होएगा, एक जीरो उतारेंगे और एक जीरो चढ़ाएंगे, क्या आएगा? दस में से नौ गया एक। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी और ना ही खत्म होगी, ये जो प्रोसेस आपकी ये चलती रहेगी ना ही खत्म होगी। तो एक्चुअल में ये नंबर कौन है आपका? 1/3। कौन है ये नंबर? 1/3। और 1/3 किस में चला गया? P/Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर किस में जाएगा? रैशनल में। और जो ये नंबर बच गया ना अपना, ये नंबर जाता है आपका इरेशनल के अंदर। तो मैं लिख देता हूं, उतारना है क्या? देखिएगा, पॉइंट के बाद में अगर कोई नंबर खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद नंबर क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो वो नंबर किस में जाता है भाई? रैशनल में। किस में जाएगा? रैशनल में। ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर खत्म तो ना हो लेकिन रिपीट हो, क्या हो? रिपीट हो। खत्म भी नहीं हो रहा लेकिन क्या हो? रिपीट हो, तो भी नंबर किस में जाता है आपका? रैशनल। पॉइंट के बाद नंबर ना तो खत्म हो लेकिन रिपीट हो, तो किस में जाएगा? रैशनल में। बट पॉइंट के बाद नंबर ना तो खत्म हो ना रिपीट हो, तो नंबर किस में जाता है? इरेशनल के अंदर। तो ये वाला नंबर किस में जाएगा? इरेशनल के अंदर। बात समझ में आई भी प्रीमे और अप्रीमे की? नंबर पॉइंट के बाद खत्म हो जाए तो किस में जाएगा? रैशनल में। खत्म ना हो लेकिन क्या हो? रिपीट हो, तो भी किस में जाएगा? रैशनल में। पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो किस में जाएगा? इरेशनल में। और इसको बोला क्या जाता है? अप्रीमे संख्याएं। क्या बोला जाएगा? अप्रीमे संख्याएं। तो डिफरेंस समझ में आ गया, किसको रैशनल बोलेंगे किसको इरेशनल बोलेंगे। एक बात बताइएगा मेरे को, जो आपके नेचुरल नंबर हैं ये रैशनल हैं या इरेशनल? रैशनल हैं या इरेशनल? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं कोई भी नंबर उठाऊं उसके नीचे वन होता ही होता है? होता है। चार के नीचे वन होगा, तीन के नीचे भी वन होगा, दो के नीचे भी वन होगा, वन के नीचे भी वन आएगा। तो सारे नंबर किस फॉर्म के हैं? P/Q की फॉर्म के, और क्यू अपना क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं? P/Q की। क्यू कैसा है अपना? नॉट इक्वल टू 0, तो नंबर कैसा जाएगा? रैशनल। तो चाहे आपके नंबर नेचुरल हो, चाहे नंबर आपके होल नंबर हो, चाहे नंबर आपके इंटीजर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। आगे बात समझ में? चले आगे। क्या हिंदी में? अच्छा अच्छा, आगे से लिखते हैं। हाँ भाई, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूं स्क्वेयर रूट ऑफ 4 बताओ भाई, कितना आएगा? कितना आएगा? 2। अरे बोला करो थोड़ा बहुत भाई। स्क्वेयर रूट ऑफ 9 3, स्क्वेयर रूट ऑफ 25 5, 36 6, स्क्वेयर रूट ऑफ 49 7 और -64 कितना आएगा?
देखिएगा, जब तक अपना नंबर इसके अंदर पॉजिटिव था, इसके अंदर क्या था, पॉजिटिव था, हम अपना आंसर दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही नंबर नेगेटिव आएगा रूट के अंदर, तो अपने पास में इसका जवाब नहीं है। हमें क्या करना है, एक ऐसा नया नंबर लेकर के आएंगे जो इस बात को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। देखिएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ -64 को मैंने लिख दिया भाई -1 × 64, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर इसको अलग अलग कर दिया हमने, स्क्वेयर रूट ऑफ -1 × स्क्वेयर रूट ऑफ 64, कोई दिक्कत? अब आपको इसका आंसर पता है कितना होता है, 64 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 8। अब जो ये वाला नंबर है ना, स्क्वेयर रूट ऑफ -1, इसका नाम दिया जाता है जी आयोटा। इसका क्या नाम दिया जाता है, आयोटा, मतलब इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आयोटा कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। तो इसका आंसर कितना आ जाता है जी, 8 आयोटा। कैसा बोल लेंगे इसको हम, 8 आयोटा। मैं बोल लूं रूट -25 किसके इक्वल आएगा भाई, किसका इक्वल आएगा, 5 आयोटा। मैंने बोला स्क्वेयर रूट -4 कितना आंसर आएगा, 2 आयोटा। मैंने बोला स्क्वेयर रूट -9 कितना आंसर आएगा, 3 आयोटा। ठीक है, आगे बात समझ में, कि जिस नंबर के अंदर माइनस आ जाता है स्क्वेयर रूट के अंदर, वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आयटा की। किसकी जरूरत पड़ेगी, आयटा, इमेजिनरी नंबर। अब देखिएगा, अपना जो भी नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम है दो टाइप से डिवाइड है भाई, एक तो रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी बोल दो इसको या फिर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। रियल में तो कौन सी आती हैं, जो अपनी वास्तविक संख्याएं हैं, और इमेजिनरी को क्या बोलेंगे, आभासी, आभासी। ठीक है, अब रियल आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, रैशनल और इरेशनल। प्रीमे और अप्रीमे, रैशनल मतलब प्रीमे संख्याएं और इरेशनल मतलब अप्रीमे संख्याएं। और रैशनल आगे जाके डिवाइड होते हैं इंटीजर्स में, किसमें डिवाइड होते हैं, इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, पूर्णांक। क्या बोला जाएगा, पूर्णांक। और इंटीजर्स की छोटी कैटेगरी कौन सी है, होल नंबर। कैसी है, होल नंबर, उसको क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और होल से भी छोटा कौन सा है, नेचुरल। क्या बोलेंगे, नेचुरल। नेचुरल का नाम क्या है, प्राकृत। कौन सी संख्या आ गई, प्राकृत। तो अगर हम देखें तो अपने पास में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, प्राकृत संख्या। अगर हम देखें कि मैथ की सीढ़ी क्या है, मैथ की सबसे पहली सीढ़ी जहां से नंबर शुरू होते हैं वो कौन सी है, प्राकृत संख्या। प्राकृत से ऊपर बढ़ेंगे तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल से ऊपर बढ़े तो कौन से आए, इंटीजर। कौन से आए, इंटीजर, पूर्णांक। और इंटीजर से ऊपर आए तो कौन से आए, रैशनल और इरेशनल, प्रीमे और अप्रीमे। और रैशनल और इरेशनल जब मिल गए तो अपने को क्या मिला, रियल। रियल को हमने क्या बोला, वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम एक्चुअल में, जिनके हमें वैल्यू पता है। अब कुछ नंबर ऐसे आए जिनकी वैल्यू नहीं पता है, जैसे वो कौन आया, स्क्वेयर रूट ऑफ -1, इसकी वैल्यू नहीं पता मेरे को, क्या आएगी वैल्यू नहीं पता है हमें। हमने क्या किया, इसको एक नाम दिया, वो नाम क्या दिया, आयोटा। तभी तो इसको इमेजिनरी नंबर बोला, आभासी बोला। आभासी क्यों बोला, इसकी वैल्यू नहीं पता एक्चुअल क्या आएगी, इसको नाम दिया आयटा। आयटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ -1। अब जब रियल और इमेजिनरी मिल जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा नंबर तैयार हो जाता है नंबर सिस्टम। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, नेचुरल, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर सिस्टम, या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ये उतार लिया भाई, चलें आगे।
हाँ जी, अभी आप एक वैल्यू पढ़ के आए हो, आयटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, पढ़ी है ना हमने, आयटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। स्केयरिंग बोथ साइड करो भाई, क्या वैल्यू आएगी, आयटा का स्केयर और यहां पर कितना बचेगा माइनस, ठीक है। एक एक आयटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी और इस साइड भी, क्या बनेगा, आयटा स्केयर इंटू आयटा माइनस वन इंटू में आयटा, क्या बन गया, आयटा का क्यूब इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। एक एक आयटा से फिर मल्टीप्लाई करो, आयटा की क्यूब इंटू में आयटा माइनस आयटा इंटू में आयटा, ये कितना बन गया भाई, आयटा की पावर है चार, और ये कितना आ गया माइनस आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी माइनस वन, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आपके पास में चार वैल्यू आई हैं, एक तो आयटा की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट माइनस वन, आयटा स्क्वायर कितना आया है माइनस वन, आयटा क्यूब कितना आया है माइनस आयटा, और आयटा की चार पावर कितनी आई है वन, ठीक है। ये चार वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, इसके बाद में चाहे आपसे कितनी बड़ी वैल्यू पूछ ले आप आराम से निकाल सकते हो। ये चार वैल्यू आपको हमेशा माइंड में रहनी चाहिए कि आयटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होती है, आयटा स्क्वायर माइनस वन होता है, आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है, आयटा की चार प्लस वन होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो भाई चश्मे वाले एक बात बता मेरे तीन, कोई भी नंबर है तेरे कने, उसने अगर मैं चार से भाग करूं तो मेरे पास क्या क्या शेषफल आ सकता है, शेषफल क्या क्या आ सकता है, कर दी गलती, जीरो भी तो आ सके, अगर नंबर पूरा पूरा भाग हो गया तो शेषफल कितना होगा, जीरो आओगा। तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम चार से भाग करते हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, जीरो वन टू थ्री, यही आएंगे भाई शेषफल चार से भाग करने पे। अगर आपसे कोई भी बड़ी पावर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कैसे रिस्पोंड करना है, देखो क्वेश्चन है मान लो आयटा की पावर 21, क्या है क्वेश्चन, आयटा की पावर 21, आपको क्या करना है, इस नंबर को चार से भाग करना है 21 को, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आयटा की पावर क्या लिखना है, रिमाइंडर शेषफल, 21 को चार से भाग करना भाई, चार पंजा 20, कितना शेषफल बचा एक, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई आयटा की पावर एक मतलब आयटा, कितना आंसर हो जाएगा आयटा। कितनी बड़ी पावर पर ले, बड़ी से बड़ी पावर को सोल्व करेंगे, आयटा की पावर है 23, बताना भाई 23 को चार से भाग करो आप, चार पंजा 20, कितना शेषफल बचा तीन, अपना आंसर कितना आ गया आयटा की पावर है तीन, और आयटा की पावर तीन किसके इक्वल है, तो अपना आंसर कितना आ गया माइनस, ठीक है। आयटा की पावर 24 कितना आएगा भाई, 24 को करना चार से भाग, चार छिका 24, कितना शेषफल बचता है जीरो, तो अपना आंसर कितना आ गया आयटा की पावर जीरो मतलब है वन। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूं ऐसे करने के लिए, करोगे ना, सभी को रिस्पोंड करना है, ये वैल्यूज आपकी मैं साइड में लिख भी देता हूं, वैल्यूज लिख देता हूं भाई मैं साइड में, आयटा अंडर रूट माइनस वन, आयटा स्क्वायर माइनस वन, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा की चार वन। अब क्वेश्चन नोट करिएगा बस, आयटा की पावर 27, आयटा की पावर 31, आयटा की पावर 39, आयटा की पावर 51, आयटा की पावर 57, आयटा की पावर 73, आयटा की पावर 91, आयटा की पावर 92, आयटा की पावर 45। हाँ जी भगत सिंह जी, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आयटा की पावर कितनी है, 27। हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर है चार से भाग करना है,
जो भी शेषफल आएगा वो आइटा की पावर में लिखना है भाई। 27 को 4 से भाग करना, 4 सिक्का 24, कितना शेषफल बचा 3, तो अपना आंसर कितना है आइटा की पावर है 3, और आइटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है माइनस आइटा। 31 करना भाई 4 से भाग, 4 सत्ते 28, कितना शेषफल बचा 3, तो आइटा की पावर है 3, वो भी कितना आ जाएगा माइनस आइटा। आइटा की पावर 39, यहां पे कितना शेषफल बचेगा 3, तो आइटा की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस आइटा। यहां पर आएगा 73 पे, करना भाई भाग, कितना शेषफल बचेगा 4 एक कम 4, 7 में से 4 गया 3, कितना नंबर बन गया 33, 4 अट्ठा 32, कितना शेषफल बचा 1, तो अपना आंसर कितना होगा भाई आइटा की पावर है 1, ठीक है। आ जाओ जी 57 करना भाई 4 से भाग, 1 बचेगा ना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आंसर आ जाएगा आइटा। यहां पर भाई 12 चौके 48, कितना बचता है 3, तो आइटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आइटा। आइटा की पावर 91, 91 को करना 4 से भाग, 3 ही बचेगा 3, कितना आएगा माइनस 92, पूरा भाग जाएगा 4 एक कम 4, कितना बच गया 4 दूनी 8, 1 बच गया, आगे 2 है, 4 तिया 12, पूरा चला गया, कितना आंसर बचेगा 1, आइटा की पावर 0 आंसर कितना आ जाएगा 1। 45 कितना बचेगा 44, पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1, तो अपना आंसर आ जाएगा आइटा की पावर 1 मतलब है, ठीक है। आसान है या मुश्किल? आसान है ना, तो प्लस वन टू वाला मैथ इतना ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ भाई ये चीज होगी ना, ये तो जैसे दो दो डिजिट है, अब आप कुछ क्वेश्चन कर भी चुके होंगे, मैं आपसे एक छोटी ही डिजिट आपसे सीख लेता हूं। किसी भी नंबर को 4 से भाग करने की ट्रिक क्या होती है, आसान सा तरीका क्या है? हाँ जी, लास्ट के दो डिजिट को भाग कर दो 4 से, वो हो गया तो पूरा नंबर भाग हो जाएगा। जितना रिमाइंडर लास्ट की दो डिजिट देंगी उतना ही रिमाइंडर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन देके जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया अभी, आइटा की पावर 2 0 4 5 7 8 3 1 1, नंबर बड़ा है, 4 से पूरा भाग करे टाइम ज्यादा लगेगा, हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, लास्ट की दो डिजिट उठाओ आप, लास्ट की दो डिजिट कौन है 11, 11 को करना 4 से भाग, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचा 3, पूरे को भाग करोगे तो भी 3 ही शेषफल बचेगा, तो आंसर कितना आएगा आइटा की पावर 3 मतलब माइनस है, ठीक है। तो बड़ा नंबर आए तो भी घबराना नहीं है। अब अपना ऐसा काम हो गया भाई आइटा की पावर में कुछ भी दे दे, कितना ही बड़ा नंबर दे दे, हम आराम से क्या निकाल सकते हैं उसकी आइटा की पावर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फिर आगे मूव करेंगे। हाँ जी, कितना सा आंसर आएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52, कितना शेषफल बचेगा 1, कितना शेषफल बचेगा 1, आंसर कितना आ जाएगा आइटा की पावर 1 मतलब आइट, ठीक है भाई। चलें आगे, हाँ जी अब आगे चलते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म में मिलेगा भाई, a प्लस आइटा। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा किस फॉर्म में आएगा, a प्लस आइटा बी। जो ये a होता है ना, ये इस नंबर का क्या है रियल पार्ट ऑफ z, कितना है a, रियल पार्ट कितना है a, और इमेजिनरी पार्ट कितना होता है b। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ सकता है कई बारी, और बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया भाई 2 प्लस 3 आइटा,
ये जेड के इक्वल है, तो रियल पार्ट कितना होएगा 2, इमेजिनरी पार्ट कितना होएगा 3, इमेजिनरी पार्ट कितना होएगा 3। और बच्चे क्या गलती करके आते हैं, 2 की 3 की जगह 3 आइटा दे देंगे, 3 की जगह क्या लिख देते हैं 3 आइटा, दैट्स इज द मिस्टेक। क्या होता है, ओनली 3 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ जेड, ठीक है। 2 माइनस 3 आइटा क्या बनेगा इमेजिनरी पार्ट, माइनस का 3, इमेजिनरी पार्ट कितना बनेगा माइनस 3। 1 प्लस 3 आइटा इमेजिनरी पार्ट 3, पहचान लोगे ना कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट है इमेजिनरी। हाँ भाई, ये आपका नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, आपका नंबर क्या है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करता हूं, कॉन्जुगेट का साइन आता है जेड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का साइन क्या जाएगा जेड के ऊपर बार, कॉन्जुगेट क्या बन जाता है ए माइनस आइटा बी, क्या बन जाता है ए माइनस आइटा बी। तो देखिएगा, मैं आपको नंबर देता हूं, आप उसका कॉन्जुगेट बताइएगा। मैंने नंबर लिया जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा भाई 1 माइनस आयटा। जो भी नंबर इमेजिनरी बैठा है उसका साइन चेंज, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। जेड इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 आयटा, कॉन्जुगेट कितना जाएगा 3 प्लस का 2 आयटा। नंबर लिया मैंने माइनस का 2 आइटा प्लस 1, कॉन्जुगेट क्या जाएगा कितना जाएगा 2 आइटा प्लस 1, 2 आइटा प्लस 1, चाहे इमेजिनरी पार्ट आगे आ जाए चाहे इमेजिनरी पार्ट पीछे चला जाए, हमें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से। आंसर ये मत कर देना कहीं माइनस 1 कर दो, ठीक है, माइनस 1 नहीं आएगा, हमें इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका क्या हो जाएगा साइन चेंज। क्या कॉन्जुगेट का मतलब ही साइन चेंज होता है, किसी भी नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालते, कॉन्जुगेट का मीनिंग ये क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। 3 माइनस 5 आइटा कितना बनेगा कॉन्जुगेट 3 प्लस का 5 आइटा, ठीक है भाई। चलें आगे, ये हो गया तो आगे चलें क्या नेक्स्ट के ऊपर, उतारना है क्या, उतार ले भाई, थोड़ा धीरे चलना है। ओके ओके ओके, तब तक आप एक बात बता दीजिएगा, आयटा का कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस आयटा, और माइनस आयटा का कॉन्जुगेट प्लस आयटा, और 2 का कॉन्जुगेट, 2 का कॉन्जुगेट माइनस 2, कौन कौन बोल रहे हैं, क्या इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है, नहीं है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 2 का क्या रहेगा 2, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, और एक्चुअल में देखे तो हम इसको इमेजिनरी माने तो ऐसे जाएगा ये 2 प्लस 0 आइटा, साइन चेंज कर भी लो 2 माइनस 0 आइटा बाद में क्या बनेगा 2, ठीक है भाई, हो गया क्या। अब कॉन्जुगेट के बाद में आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आसान सा तरीका है बिल्कुल। जेड अगर अपना ए प्लस का आइटा बी है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसी फॉर्म का होगा भाई, कैसा होगा ए प्लस आइटा। अगर मुझे इसके मॉडुलस की बात करनी है, मोड ऑफ जेड, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर जेड मेरा 2 प्लस 3 आइटा है और मुझे क्या निकालना है मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या बनेगा भाई,
दो का स्क्वेयर प्लस तीन का स्क्वेयर। दो का स्क्वेयर कितना हो जाएगा चार, तीन का स्क्वेयर कितना होगा नौ, नौ और चार कितना आ जाएगा तेरह, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा अंडर रूट थर्टीन। अब मैं चार पांच नंबर लिखता हूं आपको उनके मॉडुलस बताने हैं। क्या क्या हो गया, इसका कोई हिंदी नहीं होता। हाँ जी हाँ जी, मॉडुलस का मीनिंग क्या है, जो भी नंबर आपको दे दिया a प्लस आईटा b, उसका a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर। क्वेश्चन करिएगा, वन प्लस आईटा, थ्री माइनस आईटा, टू प्लस फाइव आईटा, सेवन प्लस एट आईटा, टेन प्लस आईटा, थर्टीन माइनस आईटा। मॉडुलस बताने हैं भाई सभी के छह नंबर्स के। पहले का बताइएगा, इसमें ए कितना, कंपेयर करो इस नंबर से, इसमें ए कितना है वन और बी भी कितना है वन, ए भी वन है और बी भी कितना है वन, तो मॉडुलस कैसे जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए का स्क्वेयर मतलब वन का स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर मतलब वन का स्क्वेयर, वन और वन कितना हो जाएगा टू, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट, कितना आंसर आ जाएगा अंडर। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है तीन, बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, हमें करना क्या है ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर दोनों को ऐड और ऊपर क्या लेना है स्क्वेयर रूट। ए का स्क्वेयर कितना हो जाएगा नाइन, माइनस वन का स्क्वेयर कितना होगा प्लस का वन, और ऊपर क्या लेना है अंडर रूट, नौ और एक दस, आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट टेन। ये बताओ भैया अपने आप से कितना आंसर आएगा, दो का स्क्वेयर है चार, पांच का स्क्वेयर है पच्चीस, पच्चीस और चार है उनतीस, अपना आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी नाइन। ठीक है हाँ जी, इसमें सात का स्क्वेयर है उनचास, आठ का स्क्वेयर है चौसठ, नौ और चार है तेरह, छह और चार है दस, दस और एक है ग्यारह, आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट एक सौ तेरह वन वन थ्री। टेन प्लस आयटा, दस का स्क्वेयर है सौ, यहां पर कितना है वन, वन का स्क्वेयर है वन, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन जीरो वन। इसमें बताओ भाई 170, 13 का स्क्वेयर है 169, माइनस वन बैठा है माइनस वन का स्क्वेयर है प्लस वन, 169 प्लस एक ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट 17, कितना आंसर हो जाएगा अंडर रूट 17। ये बात समझ में आ गई भाई, मॉडुलस हो गया। चलें आगे भाई, नाटो के तो भी जाना तो पड़ेगा भाई कि भाई ठहरा जाए हेड। आपने ग्राफ प्लॉट किया है कभी, ग्राफ प्लॉट किया कभी छोटी क्लासेस में, पॉइंट दिखाए हैं यो पॉइंट कहाँ लाइक करेगा, ये पॉइंट कहाँ किए है ना, वैसा ही कुछ कुछ काम अभी करेंगे। मैं एक बारी पहले बता देता हूँ आपको कि कौन से पॉइंट कहाँ आते हैं और कहाँ नहीं आते। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है भाई, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट आएगा तो क्या होएगा, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए भाई, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए पॉजिटिव, तो पॉइंट कहां जाएगा यहां, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो गया तो कहां जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ गई, ये तो काम कर लिया हमने क्वाड्रेंट का, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब पॉइंट इन लाइन के ऊपर भी आ सकता है आपका, पॉइंट कहां पर आ सकता है लाइन के ऊपर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई पॉइंट आएगा तो समथिंग ऐसा आएगा वन कोमा जीरो,
2.0, 3.0, कहने का मतलब है जो वाई वाला पार्ट है ना, दूसरा पार्ट हमेशा क्या रहेगा, जीरो, हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो अगर मैं जर्नल लिखूं तो यहां पर कैसा पॉइंट आएगा, x.0, कैसा पॉइंट आएगा, x.0, वैसा ही इस साइड होगा, यहां पर कैसा पॉइंट आएगा, -x.0। ये बात समझ में आ गई। अगर इस पे बात करें ऊपर और नीचे, यहां पर पॉइंट आता है 0.y और यहां पर कैसा आता है, 0.-y। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात देखिएगा, हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी दे दे, या जेड इज इक्वल टू लिख दे भाई एक्स प्लस आइटा वाई, कुछ भी लिख दे, तो नंबर से नाम है, ए बी एक्स वाई पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से ये नंबर देकर, कॉम्प्लेक्स नंबर देकर ये पूछेगा कि ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, क्या पूछेगा, ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। देखिएगा कैसे करना है, मैंने ले लिया जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा, ये जो नंबर एक्स प्लस आइटा वाई है ये कैसा है, समथिंग x.y, कैसा है x.y, तो ये पॉइंट कैसा हो गया भाई, 3.2, ये कैसा बन गया 3.2। देखो पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहचान जाओगे। अब मैं नंबर दूं तो आपको बताना है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, वो कौन से लाइन पे, अब नाम बता देता हूं, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, अगर इस की बात करूं तो ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कौन सा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव। मैं इस चीज की बात करूं तो ये कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर ऊपर वाले की बात करूं तो कौन सा है, पॉजिटिव वाई, और नीचे वाले की बात करूं तो कौन सा है, नेगेटिव। मैं आपको नंबर लिखूंगा, आपकी आवाज आनी चाहिए भाई ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पर जा रहा है, क्या कह रहा है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, कहां पर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि यहां पर x की भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू क्या है, 1, x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1, कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फर्स्ट क्वाड। जेड इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आइटा, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जेड इज इक्वल टू -5 प्लस 11 आइटा, कहां पर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। जेड इज इक्वल टू -11 -10 आइटा, कहां पर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के, कहां पर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। जेड इज इक्वल टू 5 -4 आइटा, कहां पर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने लिखा जेड इज इक्वल टू जी 11 आइटा, अब बताओ 11 आइटा माइनस कहां है, यहां जेड इज इक्वल टू कितना है, 11 आइटा, ये नंबर है ना, जेड इज इक्वल टू 11 आइटा। अगर इस नंबर को मैं पूरा लिखना चाहूं तो पता कैसे लिखा जाएगा, 0 प्लस 11 आइटा, तो ये नंबर कैसा बन गया, 0.11, कैसा बन गया आपका, 0.11, अभी भी आपके सामने लिखा पड़ा है, कहां जाएगा, यहां पर जाएगा ना, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये आपका कौन सा था, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है जी, वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जेड इज इक्वल टू 5, कहां पर जाएगा ये पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब यहां पर लाई करेगा ना, कहां पर जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस का 3 प्लस 11 आइटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। लास्ट देख लीजिएगा, माइनस का 15 आइटा, कहां पर जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, कहां पर जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ गए बात को, कि कोई पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, कौन से में नहीं जाता। क्वेश्चन आएगा, कोई भी नंबर दे देगा, ये पूछेगा इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल बी लाई, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट जाएगा। आगे बात समझ में, चलें आगे, उतारना है, उतार लिया, चलो ठीक है।
हाँ भाई, अब देखिएगा, अगर आपके सामने एक नंबर आएगा रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और करनी पड़ती है हमें। रैशनलाइज कैसे किया जाता है देखिएगा, कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मेरे को जेड इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस आइटा दे दिया, ये नंबर दे दिया, बोला भाई इसको रैशनलाइज करो, आप क्या करो रैशनलाइज। सर नहीं होता, हरियाणा के अंदर तो है ही नहीं। अच्छा हाँ भाई, एक बात बता देते हैं आपको, बहुत ही अच्छी बात है कि वह हरियाणा में नाम नाम की हरियाणवी है, पढ़ाई तो इंग्लिश में भी बहुत हो है। ग्यारहवीं बारहवीं के अंदर जो ये मैथ आप सभी को पता होगा, हिंदी मीडियम में कहीं पे भी नहीं होता। इलेवेंथ और ट्वेल्थ का मैथ कभी भी हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता तो यूपी और राजस्थान के अंदर जरूर होता है, वहाँ पर हिंदी मीडियम में होता है। तो आप कोशिश करिए, अलग नहीं है, देखो हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा ना, तो इस चीज़ को आप इंग्लिश तो पढ़ते हो, इंग्लिश की क्लास लगाते हो, तो अगर वो चीज़ सर नई चीज़ है, चाहे उसको हिंदी में पढ़ लो और चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, दोनों सेम है। और मैथ तो ऐसा है भाई, हिंदी इंग्लिश से मतलब रखता ही नहीं है, ये तो मतलब रखता है आपको समझ में आया नहीं आया। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू रखनी है इधर से उधर, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करेगी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बन भी जाएगा, एक लेवल बन जाएगा टाइम टू टाइम, आप ये दिक्कत ही नहीं आएगी कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, लेकिन थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा, कोई भी नई चीज़ होती है। तो जड अपना क्या है, वन ओवर वन प्लस एट, हमें क्या सीखना है इसका, रैशनलाइज करना, बिल्कुल आसान सा काम है। जो भी नंबर नीचे बैठा है ना, नीचे वाले से मतलब होता है इसमें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, इसका कॉन्जुगेट कौन बनेगा भाई, तो वन माइनस आइटा से मल्टीप्लाई और वन माइनस आइटा से डिवाइड, वन माइनस आइटा से मल्टीप्लाई और वन माइनस आइटा से डिवाइड, मल्टीप्लाई करना भाई, ऊपर तो वन माइनस आइटा आ गया, नीचे कौन आया है, वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा। एक फार्मूला तो आपको पता होगा, होशियार बच्चे हो, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल आता है, आता है भाई, और यहां पर कौन है, वन प्लस आइटा वन माइनस आइटा, क्या बन जाएगा, वन का स्क्वेयर माइनस आइटा का स्क्वेयर, ये बनेगा। और भाई थोड़ी देर पहले हमने किया, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन वैल्यू होती है, रख दो फिर, वन माइनस आइटा बाय वन प्लस वन, क्योंकि आइटा स्क्वेयर माइनस वन होगा, एक माइनस पहले ही आगे पड़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, वन माइनस आइटा बाय वन माइनस आइटा बाय टू आ गया। रसनाइज दो तीन क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर आपसे करवाऊंगा। वन अपॉन थ्री प्लस का फोर आइटा, वन अपॉन थ्री प्लस फोर आइटा, तो देखिएगा क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, जो मैंने अभी सीखा, तीन माइनस चार आइटा से मल्टीप्लाई और तीन माइनस चार आइटा से डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो तीन माइनस का चार आइटा और नीचे तीन का स्क्वेयर माइनस चार आइटा का स्क्वेयर, ऊपर तो तीन माइनस का चार आइटा है, तीन का स्क्वेयर कितना होएगा, नो, यहां पर कितना होएगा, माइनस सिक्सटीन आइटा स्क्वेयर, और आइटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तीन माइनस चार आइटा बटा में पच्चीस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको करने के लिए, बताओ भाई, करो भाई, वन अपॉन टू माइनस थ्री आइटा है, हो गया टाइम, हो गया क्या, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन है, वन अपॉन टू माइनस थ्री आइटा, दो प्लस तीन आइटा बटा में थर्टीन, बिल्कुल ठीक है।
जेड क्या है अपना, एक बटा में दो माइनस तीन आयटा। क्या करना है इसको, दो प्लस तीन आयटा से मल्टीप्लाई, दो प्लस तीन आयटा से डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर तो कौन रह गया, दो प्लस का तीन आयटा, नीचे दो का स्क्वेयर माइनस तीन आयटा का स्क्वेयर। ठीक है, तो ऊपर तो दो प्लस का तीन आयटा आ गया, नीचे दो का स्क्वेयर चार माइनस नौ आयटा स्क्वेयर, और आयटा स्क्वेयर कितना होता है माइनस वन। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, दो प्लस तीन आयटा नौ, चार प्लस का नौ, दो प्लस तीन आयटा नौ और चार तेरह, दो प्लस तीन आयटा अपोन में तेरह। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा जी, आज आपकी है पहली क्लास, और आप सभी सोच भी रहे होंगे कि जैसे हरियाणा का पैटर्न चल रहा है तो तैयारी इसके अकॉर्डिंग ही करें, करनी भी चाहिए। हम सिस्टम को बदल नहीं सकते, सिस्टम के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगर सिस्टम को बदलने की कोशिश करें तो भाई अपनी उम्र निकल जाएगी फॉर्म भरने की, ठीक है। हम स्ट्राइक करें, हम कहीं पे जाके धरना देते हैं तो उम्र निकल जाएगी। तो सबसे बढ़िया बात है जैसा सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, चीज़ें मुश्किल नहीं है, आप यहाँ से सीखो और प्रैक्टिस करो, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन करा दिया, मेरी भी कोशिश रहेगी चार चार पाँच पाँच उस टाइप के क्वेश्चन करवाएं, एक टाइप के पाँच पाँच क्वेश्चन करवाने की यहीं पर रहेगी कोशिश। फिर भी अगर कोई बच्चा करना चाहे तो मैं आपको बुक बता दूंगा, आप उस बुक से भी प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आपके पास में टाइम बचे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।